हेलो बच्चों, हमने आपको सारणिक पढ़ाई थी कि डिटरमिनेंट क्या होती है। बताया था कि एक जो मैट्रिक्स होती है उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है, उसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। इसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है, इसमें कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसमें लिंक दिया हुआ है। उसके बाद अब हम शुरू करने जाते हैं एनसीईआरटी की पहली एक्साइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज इसकी 4.1 है एनसीईआरटी की। हम एनसीईआरटी और जो एग्जाम्पलर है उस पूरे को डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों को कम्प्लीटली लगा लीजिए तो मान लीजिए 70-80% तो कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम्पलर में बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको एक्सपेंड करिए 2, 4, -5, -1। हमने 2×2 जो डिटरमिनेंट है, इसका ऑर्डर 2 है, इसको एक्सपेंड करने का प्रोसेस बताया था कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2×-1, और माइनस करने के बाद में इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है -5×4। इसके पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर वो आपको आता है तो सो फार सो गुड। एक्सपेंशन आप वैसे वेक्टर में पढ़ा है 11th क्लास फिजिक्स में, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो आएगा -2 -20, तो आएगा -2 + 20, योर वैल्यू विल बी +18। तो ये आपका एक्सपेंशन का पहला क्वेश्चन, एक साइज एक्सपेंशन की है ज्यादातर। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन है, नहीं लगभग क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है वो डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहे हैं कि आप इसको एक्सपेंड करके दिखाओ cos θ - sin θ cos θ। इसका एक्सप्रेशन आता है आपको, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो cos × cos ये क्या हो जाएगा, cos²θ, और माइनस, और ये sin × sin - sin, तो +sin²θ, और ये एक आइडेंटिटी होती है, दिस वैल्यू विल बी 1। ठीक है, इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देने का इनका मकसद कुछ और है, समझ लीजिए। डिटर्मिनेंट दी हुई है x²-x+1, x+1, x-1 और x+1। इसको कह रहे हैं इसको एक्सपेंड करके दिखाओ। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 का मल्टीप्लाई करेंगे x²-x+1, और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे x+1 × x-1। देखिए इंटरमीडिएट स्टूडेंट से आशा की जाती है कि उसको आइडेंटिटीज याद होंगी। एक तो होता आप ब्रैकेट खोल दीजिए, अच्छी बात है, नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट में a+b, एक में a²+b²-ab, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a³-b³। यानी ये आपको a³+b³, a³ यानी x³-1 + 1, ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, ब्रैकेट खोल के देख सकते हो, माइनस ये a+b, a-b, a²-b² यानी दिस विल बी x²-1, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो x³+1 - x²+1, तो x³-x²+2, तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस सेकेंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। वहां पे ये सब डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स क्या कर रही है, हमने आपको बताया है कि एक्चुअली मैट्रिक्स की वैल्यू ही डिटरमिनेंट देती है। डिटरमिनेंट मींस द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, कैसे देती है, क्या देती है, वह आपको बताया जा चुका है। एक मैट्रिक्स है 1, 2 और 4, 2, और आपको शो करना है टू शो 2a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 × determinant of A। दिखाओ 2a इज इक्वल टू 4 determinant of A। हम टेकिंग LHS लेते हैं, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले 2a निकालते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1, 2, 4, 2। अब आपको निकाल 2 अंदर कैसे आएगा, सभी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। अब आपको क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट 2, 4, 8, 4, तो 4 2 8 माइनस 832, ये माइनस का 26 आएगा, सॉरी 24 आएगा। तो ये आया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एलएचएस, ठीक है। अब आरएचएस निकाल लेते हैं, टेकिंग आरएचएस, ये माइनस 24 आया है, टेकिंग आरएचएस राइट हैंड साइड 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी आपको अंदर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 1, 2, 4, 2, 4 इंटू यह आएगा 2 माइनस 8, 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -24। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव द रिजल्ट। ये रिजल्ट इसका प्रूफ, इट इज द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ा डिटरमिनेंट बड़ी है इसकी। फोर्थ क्वेश्चन, एक डिटरमिनेंट दी है A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दी है सॉरी 100 100 010 0 1 0 0 1 0 1 2 4 1 2 4, और आपको शो करना है 3A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। एक्चुअली एक चीज समझ लीजिएगा, होता क्या है कि जब आप यार 3 से मल्टीप्लाई करते हो डिटरमिनेंट में, मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में हर नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है, हर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन डिटरमिनेंट में जब कॉमन मिलता है तो एक बार इससे 3 कॉमन होगा, एक बार इससे 3 कॉमन होगा, एक बार इससे 3 होता है, इसीलिए 27 हो जाता है, ठीक है। अब टेकिंग आर एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, पहले आपको 3A निकालना पड़ेगा, यानी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है सभी नंबर के साथ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 030 3612। अब आप इसका वैल्यू निकालिए 3A डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट कर दीजिएगा 3000 030 3612। एक्सपेंशन आपको पढ़ाया गया है पहले इस, अब देखिए चूंकि यहां 2 जीरो है तो पहले ही कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दो, हाफ 3 लिखेंगे, लिख दिया, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 12 3 36 माइनस 6 0 0, फिर माइनस 0 लिखेंगे तो जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाना है, प्लस 0 लिखेंगे वो भी 0 आ जाना है, तो 3 × 36 पीछे 18 3 9 10, तो एलएचएस वैल्यू विल बी 108। अब आरएचएस ले लीजिएगा, आरएचएस में क्या करना है आपको, यानी ये 108 वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू क्या आई है 108, अपनी जानकारी के लिए कर रहे हैं। टेकिंग आरएचएस, टेकिंग राइट हैंड साइड 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई, यानी आपको पहले इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लेनी है और जो रिजल्ट आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या है 27, डिटर्मिनेंट क्या है आपकी 100 010 0 124, कैसे इसको खोलेंगे, ये मैट्रिक्स नहीं है, ब्रैकेट है, देखिए थोड़ा छोटा कर दिया, कंफ्यूज हो जाओगे, कर्ली ब्रैकेट है, ये कॉलम से मैं खोलता हूं, 1 लिखेंगे आप, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, 4 माइनस 0, फिर माइनस 0 करेंगे तो सब 0 हो जाना है, प्लस 0 करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में एक्सटेंशन पढ़ाया गया है उसको देख लीजिएगा, तो आएगा 27 इंटू 4 428 108, आ गया वही चीज, तो आप लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव द रिजल्ट, दिस हो गया। ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में एक्सपेंशन आपसे पूछ रहे हैं, एक एक्सपेंशन समझ लीजिएगा, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ फर्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट की, इसको नोट करते हैं 3 0 3 -1
जीरो, माइनस फाइव, माइनस टू, माइनस वन, जीरो। सेकेंड पार्ट अपने आप करिएगा। देखिए वैसे तो हम बता चुके हैं, दोबारा समझ लीजिएगा, एक्सपेंशन करते वक्त हमने बताया था कि किसी भी रो के अलांग आप खोल सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलांग कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, यहां पर दो जीरो है, यहां से हम जाएंगे, लेकिन हम पहले कॉलम ले लेते हैं। तो पहले प्लस में थ्री लिखेंगे, लिख दिया थ्री, फिर क्या होता, जिस रो में रो को काट दीजिए, जिस कॉलम में कॉलम को काट दीजिए, और ये बचा तो जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो माइनस माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस फाइव, तो प्लस का फाइव, ये माइनस ऑलरेडी लगा है पहले से। फिर क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे, लेकिन माइनस का जीरो लिखेंगे, मेरा कैलकुलेट पूरा हम किए दे रहे हैं। देखिए जिस रो में हटा दो, जिस कॉलम में हटा दो, इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे, यानी कि माइनस सॉरी जीरो हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे माइनस, और प्लस का टेन, तो माइनस का टेन आएगा। फिर प्लस का थ्री लिखेंगे, हमने बताया था प्लस माइनस प्लस लिखते हैं, जिस रो में उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। तो दिस विल बिकम माइनस फिफ्टीन, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस थ्री वैल्यू विल बी माइनस ट्वेल्व। तो दिस वे यूर एक्सपेंडेड। सेकेंड पार्ट अपने आप करेंगे आप, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, सिक्स क्वेश्चन भी अपने आप करिए, एक्सपेंशन है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा, है कुछ नहीं, सेवेंथ फर्स्ट पार्ट, इसमें डिटर्मिनेंट दी हुई है टू फोर फाइव वन इज इक्वल टू टू एक्स फोर सिक्स एक्स। आप मैट्रिक्स तरह इसको इक्वलिटी मत कर दीजिएगा, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल है तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिंपली इसको सॉल्व करो, टू वन जर टू माइनस फाइव फोर जर ट्वेंटी इज इक्वल टू, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स फोर जर ट्वेंटी फोर, तो कितना आएगा, यह आएगा माइनस का एटीन, और माइनस का ट्वेंटी फोर लेके आओ, प्लस का ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस एटीन सिक्स आएगा, और ये टू अपान में आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, वंस यू चेक द कैलकुलेशन, टू वन टू माइनस ट्वेंटी, टू एक्स इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स फोर ट्वेंटी फोर, इट इज माइनस एटीन, माइनस ट्वेंटी फोर इधर आएगा प्लस का ट्वेंटी फोर, प्लस ट्वेंटी फोर माइनस एटीन दैट इज प्लस सिक्स अपॉन टू, तो दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स। तो दिस वे विल सॉल्व इट, इसको इक्वेट मत कर देना कि टू इज इक्वल टू टू एक्स, ये मैट्रिक्स में होता है नॉट इन डिटर्मिनेंट। तो दिस इज द सेवेंथ फर्स्ट पार्ट। इसके बाद बात करेंगे सेवेंथ के सेकेंड पार्ट की, सेम क्वेश्चन इज दिस, अपने आप करिएगा। एट क्वेश्चन देखिए, एट क्वेश्चन में भी एक डिटर्मिनेंट है एक्स टू एटीन एक्स इज इक्वल टू सिक्स टू एटीन सिक्स, यहां भी आपको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये भी डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स नहीं है, तो सिंपली ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स, जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स एक्स विल बी प्लस माइनस सिक्स। तो दिस वे यू विल सॉल्व इट। तो ये है डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। अभी बहुत सारा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बाकी है, लेकिन उसमें चूंकि डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल होना है, इसलिए वो इसको बताने के वक्त आ जाएगा। ओके, थैंक यू।